हेलो एवरीवन, वेलकम टू KMC काना मैथ कोचिंग। टुडे वी विल डू स्टेटमेंट सम्स ऑफ एडिशन, सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर आर 50,569 वुमेन वोटर्स एंड 65,899 मैन वोटर्स। वुमेन वोटर्स भी बताई हुई हैं, मैन वोटर्स भी बताए हुए हैं। हाउ मच वोटर्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 50,569 वुमेन तो वोटर्स हैं एंड 65,899 मैन वोटर्स हैं। हाउ मेनी वोटर्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि टोटल कितने वोटर्स हैं। तो वुमेन और मैन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्टली हम राइट कैसे करेंगे, क्या राइट करेंगे कि वुमेन वाटर्स इज इक्वल टू, वुमेन वाटर्स कितने हैं, 50,569, ठीक है। और मैन वाटर्स कितने हैं, 90 कितने दिए हुए हैं, 65,899। हाउ मैनी वाटर्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, टोटल वाटर्स कितने हो जाएंगे, ऐड कर देंगे। 9 9 18 का 8 कैरी 1, 9 6 15 एंड 1 16 का 6 कैरी 1, 8 and 5 13 एंड 1 14 का 4 कैरी 1, 5 and 1 6 6 and 5 11। क्या आंसर आ गया हमारा, 1,16,468 वाटर्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सम्स हैं। इससे पहले मैंने आपको फिफ्थ के लिए एडिशन सम्स करवाए थे, सब्ट्रैक्शन सम्स करवाए थे। अब हम स्टेटमेंट सम्स के एडिशन, स्टेटमेंट सम्स जो होते हैं उनकी एडिशन करना सीख रहे हैं कि स्टेटमेंट सम्स आपको दिए जाएं तो आप उसकी स्टेटमेंट कैसे लगाओगे और उसको ऐड कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन डिपॉजिटेड 4,70,819 सेविंग बैंक अकाउंट, 55,718 पोस्ट ऑफिस एंड 1,75,86,700 इन फिक्स डिपॉजिट। हाउ मच मनी हैड ही विद हिम, तो उसके पास टोटल कितनी मनी होगी। एक मैन है जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें तो इतनी अमाउंट जमा करवाता है, पोस्ट ऑफिस में इतनी अमाउंट जमा कराता है, और जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें इतनी अमाउंट FD इतनी करवाता है। हाउ मच मनी हैड ही विद हिम, उसके पास कितनी मनी है हमें ये बताना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक पर्सन है, आप ही हो, लगा लो आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट में तो इतने पैसे आपने जमा करा दिए, 4,70,890 तो आपने सेविंग बैंक अकाउंट में करा दिए, 55,780 पोस्ट ऑफिस में करा दिए, 1,75,86,700 फिक्स डिपॉजिट में करा दिए, तो टोटल कितनी मनी है उसके पास हमको जो है ये बताना है, ठीक है। तो फर्स्टली स्टेटमेंट क्या लगेगी, मैन डिपॉजिट अमाउंट इन बैंक अकाउंट में जमा करवाता है 4,70,890 हो गया, रुपीस लगा दो। फिर उसके बाद है मैन डिपॉजिट अमाउंट इन पोस्ट ऑफिस में कितनी जमा करवाता है, ये है 55,780, ठीक है। इसके बाद है मैन डिपॉजिट अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में कितनी करवाएगा, 1,75,86,700, ठीक है। इन सबको साइड में ऐड कर लो, ठीक है। इन सबको हम क्या करेंगे, साइड में ऐड कर लेंगे। पहले दिया हुआ है 4,70,890, फिर दिया हुआ है 55,780। अब करोड़ वाला आ गया, करोड़ वाले में डिजिट पीछे से लिखनी स्टार्ट कर दो ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से नंबर वाली आपको दी नहीं हुई डिजिट, ठीक है। देखो 0,0,7,6,8, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 5, यहाँ 7 और यहाँ 1। अब यहाँ कुछ नहीं है 0, यहाँ भी कुछ नहीं है 0, लगा दो सब जगह। अब क्या कर दोगे, इनको ऐड कर दोगे। 0, 9 and 8 17 का 7 कैरी 1, 8 and 1 9 and 7 16, 16 and 7 23 का 3 कैरी 2, 5 and 2 7 and 6 13 का 3 कैरी 1, 7 and 1 8 and 5 13 and 8 21 कैरी 2, 4 and 2 6 and 5 11 का 1 कैरी 1, 7 and 1 8 1 का 1। तो क्या आ गया हमारे पास, क्या है, हाउ मच मनी डिड ही विद हिम, ही हैड मनी विद हिम।
उसके पास टोटल कितनी मनी हो गई? देखिए टोटल कितनी मनी है, 1,81,13,370 रुपीज़ जो हैं वो उसके पास हो गए, टोटल मनी उसके पास इतनी है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं, और अगर आप कोई और स्टेटमेंट हम भी सॉल्व कराना चाहते हैं, आपको कोई समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ, और अगर जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।